पानीपत पुलिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का एक्शन, कबूतरबाजी मामले की जांच न करने पर 3 SI सस्पेंड, 4 SHO के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। तो पानीपत पुलिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कबूतरबाजी के मामले की जांच न करने पर 3 सब इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं 4 SHO के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश अनिल विज की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो 3 SI सस्पेंड हो गए हैं कबूतरबाजी मामले की जांच न करने पर, और ये सख्त कार्रवाई जो है ये हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से की गई है। पुलिस महकमे पर, पानीपत पुलिस पर यह कार्रवाई हुई है जिसमें 3 SI सस्पेंड हो गए हैं और 4 SHO के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता सुमित भारद्वाज का। सुमित, क्या जानकारी है, कौन कौन से SI सस्पेंड हुए हैं और किनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए? पानीपत के मर्डर टाउन थाने का मामला था जहां पर कबूतरबाजी का मामला जो है वो दर्ज किया गया था, और उस मामले में जो है जो पहले IO लगाए गए थे उसके द्वारा जांच नहीं की गई थी, दूसरे लगाए गए उसके द्वारा भी नहीं की गई, जब लगातार 3 IO बदल थे उसके बाद भी इसकी जांच नहीं की गई। तो फिर शिकायतकर्ता जो है अपनी शिकायत लेकर गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंचा, तो गृह मंत्री अनिल विज ने एक्शन में नजर आए और उन्होंने 3 SI को सस्पेंड कर दिया, और इस दौरान जो है थाने के 4 SHO बदले जा चुके थे और साथ ही उन 4 SHO की भी विभागीय जांच करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि 4 SHO ने क्यों इस मामले की जांच नहीं करवाई थी। धन्यवाद आपका सुमित भारद्वाज।